क्या है, ये नियो को वायरस को लेकर कोई चिंता करने की बात नहीं है. एट द मोमेंट देर इज नथिंग टू वरी अबाउट. द रीजन इज दिस, ये जो वायरस है उसकी तरह जो वायरसेस हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें हमारे साइंटिस्ट को 2012 से है. 2012 में एक कोरोना वायरस स्ट्रेन आया था जिसने एक एपिडेमिक क्रिएट किया था. बीमारी का नाम था मर्स, मिडिल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. बहुत ही जानलेवा बीमारी थी. 33% इसकी मोर्टैलिटी थी, 3 में से 1 व्यक्ति की मृत्यु होती थी. लेकिन उस समय भी ये पैंडेमिक नहीं बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एपिडेमिक ही रहा. 858 लोगों की मृत्यु जरूर हुई लेकिन ये एपिडेमिक रहकर सबसाइड हो गया. और साइंटिस्ट बोलते थे कि इसलिए नहीं फैला क्योंकि जो रिसेप्टर यूज करता था DPP4, ये एक ऐसा रिसेप्टर नहीं है जिसको बहुत तेजी से फैलता हो. तो कंसर्न क्या है, तो अभी जो चाइनीज रिसर्चर्स हैं, इन्होंने एक पेपर निकाला है जो अभी तक साइंटिफिकली पीयर रिव्यूड नहीं है, लेकिन इनका दावा यह है कि जो नियोकोव वायरस है ये मर्स जैसी बीमारी क्रिएट कर सकता है और रिसेप्टर यूज कर रहा है ACE2. ACE2 बोलते ही हम डर जाते हैं क्योंकि जो अभी का कोरोना वायरस पैंडेमिक है वो ACE2 रिसेप्टर ह्यूमंस में यूज करता है, लेकिन नियोकोव अभी तक ह्यूमंस में नहीं आया है. ये ACE2 रिसेप्टर यूज कर रहा है सिर्फ साउथ अफ्रीकन बैट्स, चिमगादड़ों में. अभी तक सिर्फ यही स्टडी है. ये इसको ह्यूमंस में आने के लिए एक म्यूटेशन की जरूरत, अभी तक ये म्यूटेशन हुई नहीं है. ये इतने सालों तक नहीं हुई, हो सकता है बहुत सालों आगे तक भी ना हो. ये एक स्पेकुलेशन है कि अगर ऐसा म्यूटेशन हो जाता है तो फिर मर्स जैसी बीमारी का एक पैंडेमिक हो सकता है. और अगर ये म्यूटेशन हो भी जाता है तो अभी ये भी कोई नहीं कह सकता कि वो मर्स जैसी बीमारी ही हो, उतनी ही सीवियर हो, उतनी ही मोर्टैलिटी हो, उतनी तेजी से फैले, ये अभी तक किसी को नहीं पता. ये एक स्पेकुलेशन है, तो हम चाहते हैं कि आप इसको एक स्पेकुलेशन और कंसर्निंग स्पेकुलेशन है, ये होता रहेगा. वायरसेस में भी बहुत इंटरेस्ट है, वायरसेस की बहुत स्टडीज हो रही हैं. ऐसे ये म्यूटेशन हो सकता है, वो म्यूटेशन हो सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसे आपको बहुत सुनने को मिलेगा. डू नॉट पैनिक बिकॉज ऑफ दोस, क्योंकि जब ये प्रॉब्लम आएगी वी विल हैव मोर इन्फॉर्मेशन एंड वी विल नो हाउ टू डील विद इट जस्ट लाइक वी डेल्ट विद कोविड. सो प्लीज गाइज, कंटिन्यू योर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वेयर योर मास्क, गेट योर वैक्सीन, कंटिन्यू विद योर लाइफ एंड टेक दीज कंसर्निंग न्यूज विद दैट hint of speculation, and do not panic and do not spread misinformation. Thank you.